फिल्ट्रेशन द वेंटिलेशन ऑफ द बेबी लॉस, इसके लिए हम करते क्या है यूजली, उसने कहा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज वेंटिलेशन ऑफ द बेबी लंग्स। यूजली एक आम एक जो नॉट अ पेडियाट्रिशियन होगा वहाँ पे कोई वर्कर होगा कोई भी होगा ना, तो वो क्या कहेगा कि बेबी को क्या करना चाहिए, तो बेबी इज फाइन, वो आपसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है। द फर्स्ट क्राई इज द साइन कि द बेबी इज हैविंग अ वेल वेंटिलेटेड लंग्स। And this cry is so important, it will shift the baby from the fetal period to the newborn. ठीक है, उसमें बड़ी चेंजेस आती हैं, कार्डिक चेंजेस भी आती हैं, रेस्पिरेटरी चेंजेस भी आती हैं, बट फर्स्ट क्राई इज इम्पॉर्टेंट। नाउ एज ए पेडियाट्रिशियन वी हैव टू चेंज हाउ टू मेक द बेबी क्राई। ठीक है, हम में और किसी नॉन पेडियाट्रिक पर्सन में यही डिफरेंस होता है। ठीक है, otherwise they also make the things to make the baby cry, like they will slap the baby, anything else, bas bachcha ro jayega isse na, theek hai। So hame pata hona chahiye ki baby jo hai cry kar raha hai aur kis tarah humne cry karana hai as a pediatrician। Theek hai, you have humne panic nahi karna agar bachcha nahi ro raha, kab nahi karna। Theek hai, usually jo sedated jo hote hai na GA mein bacche hote hain wo thode se sedated hote hain। अगर बच्चा क्राई नहीं कर रहा, मैं कह रही हूँ एक बच्चा क्राई नहीं कर रहा लेकिन मैं परेशान नहीं हूँ, मैंने क्या देख लिया उसमें कि मैं परेशान हूँ, तो बता सकता है? हाँ, मैं देख रही हूँ रेस्पिरेटरी रेट उसका ठीक है, बेबी पिंक है, पल्सेस उसकी फाइन है, बेबी की एक्टिविटी ठीक है, बेबी का नहीं मूड क्राई करने का, तो आपने उसको थप्पड़ जरूर लगाने का, हो सकता है वो थोड़ा सा सेडेटेड है। देखो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, रेस्पिरेशन, क्राई इसलिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप उसको क्या करोगे अगर क्राई नहीं करा बेबी, तो स्टिमुलेट करो, तो स्टिमुलेट है, स्टिमुलेशन के बहुत सारे तरीके आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा एपगार भी साथ ही डिस्कस कर लेते हैं ताकि साथ साथ होते। एपगार किसको पता है क्या होता है? हाँ, क्योंकि अभी हमने डिस्कस शुरू किया ही है तो हम साथ ही कर लेते हैं। ए फॉर अपीयरेंस, व्हाट शुड बी द अपीयरेंस ऑफ द बेबी? पिंक है, पिंक है, देते हैं, 100 बिलो हो तो हम उसको 1 स्कोर करते हैं, एब्सेंट हो तो 0 स्कोर। ठीक हो गया। जी फॉर ग्रिमेस, व्हाट इज ग्रिमेस? फुल क्राइंग बेबी है 2, फेशियल सिर्फ एक्सप्रेशन है, ग्रिमेस का है 1, नो क्राइ 0। नेक्स्ट एक्टिविटी, मोटर पावर, एक्टिविटी में क्या है? बिल्कुल एक बच्चा लिम्प है, there is no activity, so what is this? Zero. If there is this activity, like not a good one, then it is one, and it's activity half flexion phase mein ho sakta hai, lekin ek limp hoga na jo zero hoga to bilkul limp hoga, ek activity nahi kara lekin thoda sa uski tone hai, theek hai, that is one, aur ek bachcha fully activity kar raha hai to two. Usually baby has a posture of flexion, mostly wo flexive phase mein hi मूवमेंट कर रहा होता है, वो लेग्स हो या आर्म्स हो। ठीक हो गया। नेक्स्ट रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन अभी हमने डिस्कस किया, अच्छा रेस्पिरेशन का थोड़ा सा हम इम्प्रूव कर लें, रेस्पिरेशन इज नॉट अ नंबर। ठीक है, इफ बेबी हैज अ लेबर्ड ब्रीदिंग, हो सकता है रेस्पिरेशन आपको ठीक लग रही है, रेस्पिरेटरी रेट ठीक है, लेकिन लेबर्ड ब्रीदिंग है, ठीक है, चेस्ट ट्रिम ड्रॉइंग्स है, ठीक है, फिर आपने 1 स्कोर दिया। अगर वो लेबर ड्रॉइंग नहीं है, चेस्ट एंड ड्रॉइंग नहीं है, रेस्पिरेटरी रेट उसका फाइन है, शुरू में थोड़ा सा टिकपन भी हो सकता है, लेकिन आपने उसको टिकपन नहीं आनी, आप मेजर कर रहे हो मोस्टली लेबर्ड है, फिर आप टिकपन जरूर देखोगे। अगर बेबी रेस्पिरेटरी रेट ठीक है, क्राई ठीक कर रहा है, तो 2 में आ जाएगा। ठीक हो गया। अगर नहीं है कोई रेस्पिरेशन तो 0 और पता हो गया, 10 हो गया। ठीक हो गया। अब एक बेबी है, उसकी रेस्पिरेशन ठीक है, 2 हो गया, उसकी पल्स ठीक है, पिंक है बच्चा, 2 हो गया, 4 उसकी एक्टिविटी बड़ी अच्छी है, 6 और क्या हो गया, क्राइंग, 8 तो वो वैसे भी हो गया, अगर क्राई नहीं भी किया उसको,
तो एबगार इज इम्पोर्टेंट टू टेल यू यू आर गोइंग टू रिसेस द बेबी और यू आर नॉट गोइंग टू रिसेस द बेबी. ठीक हो गया. अब नेक्स्ट उसने आगे क्या कहा. हमने सबसे पहले टेक करना है टर्म जेस्टेशन है या नहीं है. उसमें बहुत सी डिफरेंसेस आ जाते हैं प्री मेच्योर और टर्म बेबी में. प्री टर्म बच्चे जब आएगा वो इतना एक्टिव नहीं होगा, इसलिए आपके माइंड में होना चाहिए प्री टर्म बच्चा एक्टिविटी वाइज उतना अच्छा नहीं होगा. प्री टर्म बेबी जो है उसकी रेस्पिरेशन उतनी अच्छी नहीं होगी. यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ, और यदि आपने पहले से अपने आप को प्रिपेयर कर रखते हैं इसके बारे में. नेक्स्ट ब्रीदिंग है और क्राइंग है, ये दो एक डिफरेंस चीज़ें रहती हैं. टोन, अभी हमने ये डिस्कस कर लिया कि टोन कैसे है. अगर गुड टोन है, ब्रीदिंग सही है, क्राइंग सही है, टर्म जेस्टेशन है, तो क्या होगा, मदर के साथ चला जाएगा, विद मदर हो जाएगा. उसमें आपने मदर के साथ में ये बताना है कि रूटीन केयर हो, वार्म करें, ड्राई रखें, और ऑन गोइंग एवेल्यूएशन में क्या होगा. अगर बेबी आपको नहीं ठीक लग रहा तो आप डॉक्टर के पास में आए, वैक्सीनेशन करवाएं, मदर फीड को इनकरेज करें, ठीक हो गया. अब अगर बेबी में ये तीनों चीज़ें हैं, कौन कौन सी तीन चीज़ें आप बताओ. ब्रीदिंग, क्राइंग और टोन. इफ टोन इज नॉट गुड, इफ बेबी इज ट्रेटम, इफ बेबी हैज लेबर्ड ब्रीदिंग और नो ब्रीदिंग, इफ बेबी इज नॉट क्राइंग, फिर हम क्या करेंगे. फिर हमने सबसे पहले क्या करना है, बेबी आपके पास आ गया, सबसे पहले क्या करेंगे. बेबी तुम्हारे पास आया, बेबी डिलीवर हुआ है ना, बेबी जब डिलीवर हुआ है तो बेबी वेट होगा, एमनियोटिक फ्लूइड में था, ठीक है. बेबी वेट होगा, बेबी के ऊपर उसका जो वो वर्निक्स कैसे होगा, सेक्रेशन होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेबी आया तो क्या किया, आप लोग डमी पकड़ो अपने अपने पास, ठीक हो गया. अब मुझे ड्राई बताओ और वॉर्म कैसे करोगे इसको. ये बेबी है, मैं जैसे आप बेबी हैंड करो, आप करो ये वाली रिसेस और आप करो ये वाली रिसेस, ठीक है. ये बेबी है, ये मैंने आपको ला के हैंड करो, कैप नहीं है, कैप की तो चाहिए, ठीक है. कैप मेरे ख्याल में मैं बॉक्स में भूला ही हूं, आप उसको मैं ले जाया करो, ठीक है. दूसरी शीट है यहां पे, नहीं उधर नहीं है, दूसरी बात नहीं है, नहीं है मेरे ख्याल में, तो इसमें चेक कर लो, ठीक हो गया. मे बी आ रहा है आपके पास है, ड्राई करो, ठीक है. इस ड्राई के दौरान ना आपने ऑब्जर्व कर लेने जल्दी जल्दी आपका बेबी ड्राई भी हो गया और बेबी वार्म भी हो गया. वार्म के लिए आपने क्या किया, आपके पास ओवर हेड है वो भी है, वार्मर भी है, वो ऑलरेडी ऑन होगा क्योंकि जब बच्चा आएगा तो आपने जब आप ड्राई कर रहे हो ना, इस ड्राई के दौरान ये ड्राई हो रहा है, ठीक है. ये और कोई इतना यानी पेडिएट्रिशियन के लिए सबसे बड़ी बात पता क्या होनी चाहिए, बेबी यू आर नॉट गोइंग टू बी वायलेंट, ठीक है. बेबी रिसेस करना है ना तो वायलेंट नहीं होना, ठीक है. आपने ये देखना है, आप क्लीन कर रहे हो ना, ठीक है. इस क्लीन के दौरान आपको पता लग रहा है कि बेबी का रेस्पिरेटरी रेट क्या है, ठीक है. और बेबी जो है पिंक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है. अपीरेंस उसकी कैसी है, उसकी एक्टिविटी कैसी है, ठीक है. ये जो वार्म कर रहे हो ना आप, उसको ड्राई कर रहे हो, ये आधा स्टिमुलस, ठीक है. और अगर आपने टारगेटेड स्टिमुलस करना है तो यू आर गोइंग टू टैप द स्पाइन लाइक दिस, लाइक दिस, यू आर नॉट गोइंग टू बी वायलेंट, ठीक है. हेलो, और यू आर गोइंग टू टैप, ठीक हो गया. ये दो स्टिमुलस हो गए, हमने वार्म कर लिया, ड्राई कर लिया, इस दौरान आधे से ज़्यादा एफगार आपको पता लग गया, उस एफगार की बेसिस पे आपने आगे प्रोसीड करना है. हार्ट रेट नहीं है, रेस्पिरेटरी रेट नहीं है, ड्राई नहीं है, बच्चा पिंक नहीं होगा, इसकी बेसिस पे आगे वी आर गोइंग टू प्रोसीड. आप डमी लो, अब मैं जो बोलती चाहूँगी आपने उसके अकॉर्डिंग लिखा. नेक्स्ट अब क्या हो गया, हमने देख लिया कि हार्ट रेट बिलो 100 है, बच्चा गैस्प कर रहा है, बच्चा एपनिक है, ठीक है. अगर ये तीनों चीज़ें नहीं हैं तो फिर आगे हम प्रोसीड कर जाएंगे, लेबर ब्रीदिंग देखेंगे, साइनोसिस देखेंगे. अच्छा अभी फिलहाल इसको यहीं होल्ड करते हैं इधर तक, ठीक है. बेबी इसने ड्राई किया, क्लीन किया, ठीक है. अब बेबी अभी भी क्राई नहीं कर रहा, बेबी भी वॉर्म यानी बेबी पिंक नहीं हुआ, पैरफली साइनोस जो क्राई नहीं कर रहा, तो व्हाट वी कैन डू, हम थोड़ी सी उसकी क्लियर करेंगे, बहुत डीप सक्शनिंग नहीं करते उसमें, आप सिंपल आप उसका क्लियर करेंगे माउथ और आप उसको स्टिमुलस जो भी मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग लिया,
ठीक है, बेबी शुड क्राई, बेबी का जो रेस्पिरेटरी रेट भी कम हो जाए, ठीक हो गया। ये इसने, ये थोड़ा सा ओल्ड है, यूजुअली हम सेचुरेशन मॉनिटर कर भी लेते हैं, नहीं करते, लेकिन आप सेचुरेशन मॉनिटर होना चाहिए, ठीक है। और उस वक्त सेचुरेशन कितनी होनी चाहिए बच्चे? 60 95 95। यूजुअली कट ऑफ एक सही सेचुरेशन का 92 है बेबी के लिए, लेकिन जब अभी वो आया है ना, तो यू कैन अबव 80 85, आहिस्ता आहिस्ता वो पर मिनट जो है वो इंक्रीज होती जाती है, ठीक हो गया। अब आपने क्लियर कर लिया एयरवे, बाकी चीज़ें कर लिया। अब अगर हार्ट रेट बिलो 100 है तो क्या करो? हार्ट रेट बिलो 100 है तो उसका कार्डियक मसाज जो उसके साथ इम्पोर्टेंट बात है कि व्हेन द हार्ट रेट इज बिलो 100, आपने उसको कि रेस्पिरेशन को इम्प्रूव करना है। यू आर नॉट गोइंग, यही इसकी डिफ्रेंशिएशन है एडल्ट रीसस से, यू आर नॉट गोइंग टू गिव द चेस्ट कंप्रेशन। अगर इट्स बिलो 100 यू आर गोइंग टू गिव बैग एंड मास्क। अभी तक आपने क्या किया? इसको वार्म किया, क्लीन किया, क्लियर किया है एयरवे को, एयरवे क्लियर किया है। अब आपने ये किया, इसके फुट को किया, यू आर नॉट सेटिस्फाइड, और आपको लग रहा है कि इसकी जो हार्ट रेट है आपने चेस्ट से सुना तो इट्स बिलो 100 स्टिल, सो नाउ यू आर गोइंग टू, इसको कहते हैं इन्फ्लेशन ब्रेथ्स, यू आर गोइंग टू गिव द इन्फ्लेशन ब्रेथ्स, 1 2 3 4 5। अब इस मेनोवर में आपने क्या क्या सीखा? देखो ये हेड है, ठीक है, ये चिन लिफ्ट और हेड टिल्ट, हेड टिल्ट कहते हैं इसको, और चिन लिफ्ट कहते हैं ये ऊपर हो गया, ठीक है। इस चिन लिफ्ट के बाद इसके माउथ और नोज के अकॉर्डिंगली यू आर गोइंग, ये दीज थ्री फिंगर शुड बी फॉर चिन लिफ्ट, दिस फिंगर शुड बी हेयर, दिस थम शुड बी हेयर, दिस इज अ सी यू हैव टू मेक, एंड द सील शुड बी लाइक दिस, इट इज नॉट गोइंग टू वो मेरे ख्याल में इसकी वजह से वो कर, ये ना थोड़ा सा उसकी वजह से पैदा है, लेकिन आपने ये थ्री, यानी लाइव पेशेंट में ये थ्री रखनी है, और इन्फ्लेशन ब्रेथ में ये जो है ना, ये यूं नहीं होगा, ये 2/3, 1 2 3 4 5 करें, सब करें बारी बारी, 5 इन्फ्लेशन ब्रेथ करो, वाला लंबा है वो, अच्छा मास्क आप उस तरफ मोड़ लो, उसको मुझे नजर भी आ जाएगा ना, साथ करो। ये तीन इसको मत दबाएं आप, ये थोड़ा सा अग्रेसिव हो रहा है, एक मिनट छोड़ो, देखो ये हेड है और ये चेन लिफ्ट है, ठीक है, इतना भी काफ़ी है, और यहाँ सील बनाओ, इसकी सील प्रॉपर होनी चाहिए ऐसे, ये देखो सील मीन्स सील, फिर आप जो है ये, ठीक है, सिर्फ ये करने के लिए करते हो, ये 2/3 हो, और ये ना करते हो, ठीक है, उसको ब्रीथ भी करने देना है, वो अगर आप नहीं भी करो, सिंपली आपको चेस्ट एलिवेशन और वापस जाता मिला है ना, तो उससे ना इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इसकी चेस्ट एलिवेट होके वापस जाए, ये ना हो आप उसको एक्सप्रेशन का वो नहीं दे रहे हो और आप करते जा रहे हो, करते ये नहीं है, 2/3 करना है आपने, और ये 1 2 3 4 5, आप इसको यूं भी कर सकते हो, 1 in 1000, 1 in 2000 होता है, ये टाइम बाय कर रहे हो, 1000 बॉल के आप एक टाइम बाय कर रहे हो, ठीक है, ये से जो करोगे इट्स नॉट इन्फ्लेशन बेस्ड, उसको आपने एक्सपैंड करके वापस भी आने देना ना, एक्सप्रेशन का भी टाइम देना, ये 5 टाइम्स कर लो, हाँ ये 5 इन्फ्लेशन बेस्ट होते हैं, अगर इस पर भी ना इंक्रीज करें तो आप नेक्स्ट 5 इन्फ्लेशन बेस्ट होते हैं। यूजली अगर 100 से ज़्यादा लेट हो जाए, सब ने कर लिया, आप लोगों ने भी, आप लोगों को मर्जी है ना, आपने जब रिसीव किया है तो आपने उसको पहले ड्राई करना है, आपने वार्म करना है, आपने एयर वे क्लियर करना है, आपने स्टिमुलेट करना है, ये चार चीज़ों के बाद आपने हार्ट देखना है, बिलो 100 है नहीं है, आपने इंफ्लेशन देखना,
ऊपर से पकड़ लिया नीचे से आपने लेकिन ये बेटर नहीं अब क्या करेंगे यूजुअली 100 से थोड़ा सा हार्ट रेट कम हो तो वो इन्फ्लेशन रेट से अबव हो जाता है लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं आ रहा और हार्ट रेट बिलो जब 60 होगा ना तब आपने कार्डिक चेस्ट कंप्रेशन दे चेस्ट कंप्रेशन कैसे देते हैं यूजुअली दो तरीके होते हैं एक ये एन इसको कहते हैं एन सर्कलिंग वन ठीक है इसमें आप 1 2 इसमें भी वापस रिकॉइल ऑफ द चेस्ट देखना है 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हो गया दूसरा तरीका ये है जिसमें आप लोअर थर्ड ऑफ द स्टर्नम जो होती है ना उस पर ये 2 फिंगर मेथड करते हैं तुम्हें थम्स की कितने थे कंप्रेशन देनी है इसमें तो ये 52 होते हैं ये भी लोअर थर्ड चेस्ट लोअर थर्ड ऑफ द स्टर्नम ये भी लोअर थर्ड ऑफ द स्टर्नम लेकिन इसको कहते हैं एनसर्कलिंग मेथड और इसको कहते हैं टू फिंगर ठीक है लेकिन अब यूजुअली एनसर्कलिंग मेथड को इनकरेज किया है हम अपनी पूरी ट्रेनिंग में 2 फिंगर मेथड यूज करते हैं लेकिन अब उसको ज्यादा इनकरेज करें ठीक है चेस्ट कंप्रेशन आपने दिए फिर भी नहीं हो रहा फिर 1 मिनट में 100 उसके साथ देनी है ब्रीदिंग ठीक है आप हाँ तो एम्बुलेंस तो करोगे ना एम्बुलेंस तो साथ में करोगे आप टू रिसेसिटेटर हो गए अगर आप 1 और रिसेसिटेटर एक ही है तो फिर आप जब वो कर लोगे ना ये हाँ इनकी रेशो क्या होती है रेशो 1:2 या आप 2:3 करो ठीक है या 2 और 3 यही है 1:1:2 और 1:3 यही इसकी रेशो में आती है ठीक है आपने अगर एक ही रिसर्च करो तो पहले आप एक एम्बू बैक करोगे और फिर रिसर्च करोगे फिर एम बैक करोगे फिर रिसर्च करोगे ठीक हो गया और अभी भी नहीं हुआ फिर बेटर नहीं हुआ चेस्ट कंप्रेशन कितनी और उसके बाद अम्बू बैग कब यूज करना है कितनी कंप्रेशन के बाद अम्बू बैग वो बड़ों में तो ज़्यादा ही होता है कि 30 हम देते हैं और 300 इसमें रेशो ज़्यादातर 1:2 या 1:3 ये मैं ना मुझे याद नहीं है लेकिन इसमें छोटे बच्चों में 3 कंप्रेशन और 1 बैग ठीक हो गया अभी भी नहीं कर रहा फिर ड्रग्स फिर हम एपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन की डोजेस तो आपको उसमें मिल जाएंगी बुक में भी मिल जाएंगी ठीक है अब हमने देखना है कि हमने बीच में क्या क्या करते रहना है पहली बात तो ये है कि हमने ये देखते रहना है हमारा स्टेप्स ये हो सकता है ये 5 ऐसे एम्बू बैग आप दो के ना इन्फ्लेट ना करें और फिर आपका और नहीं बढ़ रहा और आप फिर चेस्ट कंप्रेशन पे आ जाओ तो इनको हम बोलते हैं करेक्टिव स्टेप्स जो इसने यहाँ पे लिखे भी हैं मेक एडजस्टमेंट रीपोजिशन द एयरवे सक्शन द माउथ एंड नोज ओपन द माउथ कभी क्लोज माउथ पे एम्बू बैग कर रहे हो तो उसका भी कोई फायदा नहीं प्रेशर थोड़ा सा इंक्रीज करके देख लें और ऑल्टरनेटिव एयरवे में क्या है अगर आपको लग रहा है कि एम्बू बैग आपसे नहीं अच्छी हो पाई तो आप ATT पास कर लो एम्बू बैग खराब है उधर का फिर ATT पास कर लो तो आपका एयरवे हाँ एक और रीज़न होती है जब आपको लग रहा है कि अब इसने चलना ही इस पर एम्बू बैग पर ही ज़्यादा देर चलना तो प्रोलॉन्ग्ड के लिए भी आप ATT पास कर लो ठीक है 60 से अबव नहीं हुआ चेस्ट कंप्रेशन के बावजूद तो फिर आप एपिनेफ्रिन पे जाओगे ट्यूब पास कर दोगे सक्शनिंग करोगे आप प्रिपेयर करोगे बेबी को हमने शिफ्ट करना उसके अलावा क्या क्या मेडिकेशन एपिनेफ्रिन की खैर इसने भी डोज बताई हुई है 0.1 ml/kg से देते हैं
ATT से हम यूजुअली नहीं देते, ATT से अगर दें तो विदाउट डाइल्यूशन देते, ठीक हो गया। यूजुअली किस कंसंट्रेशन में आती है एपिनेफ्रिन जो आती है हमारे पास? 1:10,000 में आती है, 1:1,000 में आती है। उसको हम 10 ml ऑफ नॉर्मल सेलाइन में जब डाइल्यूट करते हैं ना तो 1:10,000 हो जाती है, ठीक है। तो जो ये रेशो है ये देनी होती है, इसलिए आपने वहाँ जब एपिनेफ्रिन से भरवानी है तो उसको कहना कि 10 ml में डाइल्यूट करके रखिए। सिस्टर को पता होता है मोस्टली, लेकिन हम ये पता होना चाहिए कि एपिनेफ्रिन किस में आती है, 1:1,000 में आती है, और उसको 1:10,000 में हम कन्वर्ट करते हैं। जो डायरेक्ट ईटी से देते हैं उसको हम कन्वर्ट नहीं करते, ठीक है। डोज क्या है? 0.1 ml पर केजी आफ्टर डाइल्यूशन, 0.1 ml पर केजी, ठीक हो गया। 3 to 5 minutes के बाद रिपीट कर सकते हैं अगर 60 से बिलो रेट वगैरह, ठीक है। अच्छा, आपको लग रहा है कि बच्चा लिम्प है, पल्सलेस है, रीसस भी कर लिया, ETT भी पास कर दी, एपिनेफ्रिन भी दे दी, और क्या कर सकते हैं? नहीं बेटा, ट्रिकॉस्टमी नहीं करेंगे, पल्सलेस है ना, ठीक है। ETT पास कर ली, एयरवे मैनेज हो गया है। क्या क्या चीज़ें मैनेज करनी होती हैं? एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, फिर आएगी बारी ड्रग्स की। एयरवे ब्रीदिंग तो पट्टी मैनेज हो रही है, ठीक है। एयरवे ब्रीदिंग अभी तक जो हमने किया है एम्बू बैग से, ETT से, इन्फ्लेशन ब्रेथ से, हमने क्या किया है? एयरवे और ब्रीदिंग को मैनेज किया, जो उसने स्टेप्स भी लिखा है कि बेबी का हेड स्निफिंग पोजिशन करें, सक्शनिंग करें। ये एक एक्स्ट्रा बात है, ये बाद में आएंगे, थर्ड पॉइंट है, इस पर हम बाद में आते हैं। ब्रीदिंग में हमने वही किया है कि पॉजिटिव प्रेशर, ये जो हम दे रहे हैं एम्बू बैग, इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, क्योंकि आप प्रेशर दे रहे हो, ठीक है, अगर पल्स 100 से कम है। वेंटिलेट किया है, हार्ट रेट देखें, ब्रेथ साउंड देखें, चेस्ट मूवमेंट्स जो बार बार मैं कहती हूँ, अभी भी अगर टेस्ट में आप करते हो तो एम्बू बैग करोगे, आपने चेस्ट मूवमेंट साथ साथ देखनी है। अगर आप यूं एम्बू बैग कर रहे हो ना तो अगले को पता लग जाएगा कि आप देख नहीं रहे हो चेस्ट मूवमेंट्स, आप अपनी क्या कर रहे हो, ठीक है। तो चेस्ट मूवमेंट्स आपने साथ में देखनी है, ठीक हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड डिटेक्टर भी आता है, पल्स ऑक्सीमीटर भी आ जाएगा, ये उसने पल्स ऑक्स पे लिखी है, 1 मिनट पे 60-65, 2 मिनट्स पे 65-70, 3 मिनट्स पे 70-75। आपने परेशान नहीं होना अगर 100% 90% नहीं आ रही सेचुरेशन, 10 मिनट्स तक वो स्टेबलाइज सेचुरेशन पे आ जाएगा, ठीक है। एब्गर्स कितने कितने मिनट पे हम करते हैं? 1 मिनट पे, 5 मिनट पे, 10 मिनट, ठीक है। और जो 1 मिनट एब्गार है वो इम्पोर्टेंट है, हो सकता है बच्चा आया हो और फुली साइन हो, जो सब कुछ खराब हो, 1 मिनट पे सब कुछ ठीक हो जाए, तो एब्गार आपने 1 मिनट पे लेना है, और 1 मिनट इज टू मच, 1 मिनट छोटी चीज नहीं होती, अच्छा खासा होता है। सर्कुलेशन में भी आपने पहले आपने सर्कुलेशन कैसे मेंटेन करनी है, हार्ट रेट कम भी है, चेस्ट कंप्रेशन नहीं देनी, आपने एम्बू बैगिंग 5 इन्फ्लेशन रेट्स देने हैं। चेस्ट कंप्रेशन कब स्टार्ट करनी है? जब 60 से रेट कम हो जाए, ठीक है। 3 compression 1 breath हर 2 सेकेंड्स के बाद, ठीक है। अच्छा, अब हमने कितना उसको प्रेस करना, करो जरा चेस्ट कंप्रेशन। बहुत ज़्यादा भी नहीं करना, रिब फ्रैक्चर हो जाएगी, बहुत कम भी नहीं करना, हमने 1/3 ऑफ द चेस्ट को नीचे ले लिया, कितनी को? 1/3 को, तो 1/3 कितनी हो जाएगी? ये कर दिया तो ये ज़्यादा हो गया, 1/3 is this, 1/3 is this, वापस आने देना, ये किया वापस आने दिया, ये किया वापस आने दिया, ये किया वापस आने, ठीक हो गया। अब ड्रग्स में क्या क्या आएगा? एपिनेफ्रिन तो आपने बता दी, इसके अलावा कुछ आ सकता है? देखो सर्कुलेशन को मेंटेन करने के हम बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं, हम इसको कैनुला उस वक्त नहीं लगता, हम यूजुअली एम्ब्लाइकल कैथेटर पास करते हैं, उससे क्या कर सकते हैं? फ्लूइड दे सकते हैं, बायकाप दे सकते हैं। ज़्यादातर बच्चे जो हाइपोक्सिया में जाते हैं उनमें एसिडोसिस होता है, उनको हम बायकाप देंगे। हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकता है बच्चा, उसको हम 10% दे सकते हैं। सो हमारी रिससिटेशन में 10% होनी चाहिए, बायकाप होनी चाहिए, एपिनेफ्रिन होनी चाहिए, और एक एक्स्ट्रा बात बता रही हूँ, जो सेडेटेड बच्चे होते हैं उनमें हम नेलोक्सोन देते हैं, पढ़ाओ, ठीक है। तो नेलोक्सोन भी आपकी रिससिटेशन ट्रेन में यूजुअली होनी चाहिए, ठीक हो गया। अब आपने ETT पास कर दी है, बच्चे का एयरवे स्क्योर कर दिया है, बच्चा थोड़ा पिंक हो गया है, पल्सेस बेहतर हो गई हैं, अम्ब्राइकल कैथेटर आपने पास कर दिया है, अब आप बेबी को हैंड ओवर करेंगे ट्रेंड बंदे के साथ, इसको नर्सरी में शिफ्ट करेंगे, नोट्स डालेंगे, और फिर जो है ना, फिर आखिरी काम क्या करते हैं?
काउंसल करो ना पेरेंट्स को, दो तीन चीज़ें काउंसलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक बच्चे का स्टेटस बताना, दूसरा उसका सेक्स बताना, ये इतना इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं ना, तो आपने ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। रीसेसिटेशन में इफ़ यू वॉन्ट टू आस्क एनी थिंग तो बताओ, अदरवाइज वन वॉलेंटियर विल रीसेसिटेट द बेबी। Congrats.